गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। कैसे हो? ढेर सारा सवाल करेंगे आज। वर्ड एनालॉजी में देखो, वर्ड एनालॉजी में जीके, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आपका करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बशर्ते कि रीजनिंग के ट्रिक्स, ठीक है। तो रीजनिंग के ट्रिक्स वगैरह यहाँ पे काम नहीं आते। यहाँ पे जो आपका जीके वाला जो पोर्शन होता है ना, वो ज्यादा काम आता है, ठीक है। वर्ड एनालॉजी में, किसमें? वर्ड एनालॉजी में। गुड इवनिंग शिवांशी। और जो आपका अल्फाबेट का जो एनालॉजी होता है, मैं आपको दो बेसिक बात बता रहा हूं। वर्ड एनालॉजी में ये आपके जीके, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी का नॉलेज हेल्प करेगा आपको सवाल सॉल्व करने के लिए। गुड इवनिंग बबलू। और जो अल्फाबेट एनालॉजी है, तो जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा है ना, जो भी पैटर्न्स हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े थे, ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, फिर इस तरीके का ऑर्डर हमने देखा था, ठीक है, इस तरीके के स्लैंट ऑर्डर्स हमने देखे थे, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक्स ही एप्लीकेबल होते हैं अल्फाबेट एनालॉजी में। क्लियर है ये बात? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो एनालॉजी में, वर्ड एनालॉजी, जीके, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इस इकोनॉमी, इस तरीके के वर्ड एनालॉजी आते हैं, जिसमें आपको उनका नॉलेज यूज करना पड़ेगा। और अल्फाबेट के एनालॉजी में आपको जो कोडिंग डिकोडिंग के जो पार्ट्स मैंने पढ़ाए थे, उनके तरीके से आपको अल्फाबेट एनालॉजी को देखना होगा। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, एक एक करके सवाल को देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल, ध्यान से बनाना, सारे सीजीएल के सवाल हैं, सारे एसएससी सीजीएल के ही सवाल हैं। कोई भी सवाल मेरे द्वारा बनाया नहीं गया है, सभी के सभी आज के 40 प्रश्न हैं, 40 के 40 प्रश्न आपके एसएससी में आ रखे हैं। इसीलिए इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान के चलो और एज अ प्रैक्टिस सेशन मान के चलो। कुछ ना कुछ आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सी आ रहा है लोगों का। गुड इवनिंग आशीष, ठीक है, सी आ रहा है लोगों का, वेरी गुड। लायन क्या चीज पे डिपेंडेंट है? फ्लैश पे, खाने के लिए। तो काव क्या चीज पे डिपेंडेंट होगा? काव क्या चीज पे डिपेंडेंट होगा? ग्रास पे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, एकदम तेजी से सवाल बनाएंगे, इसलिए सेशन का भी नाम है धड़ाधड़ सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, सी इज द करेक्ट आंसर। इसको ध्यान से बनाना, 2017 सीजीएल में पूछा गया ये सवाल है, इसको ध्यान से बनाना। काफी लोगों ने गड़बड़ी करी थी, ठीक है। हम आसान सवाल भी करेंगे, कुछ ट्रिकी सवाल भी करेंगे। गुड, वेरी गुड। सबों को आंसर पता है? सबों को आंसर पता है? कैंडल क्या चीज से बनता है? कैंडल के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज करते हो आप? वैक्स यूज करते हो, ठीक है। कैंडल के लिए, कैंडल बनाने के लिए, मोमबत्ती बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज होता है? मोम यूज होता है, ठीक है। भले ही ये जो मोम आप बनाते हो, मोम को अलग अलग केमिकल्स लेकर आप बनाते हो, दो दूसरी बात है, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट रॉ मटेरियल यूज होता है, वो क्या होता है? मोम होता है। तो पेपर के लिए एग्जैक्ट रॉ मटेरियल क्या यूज होगा? क्या आप ट्री को एज इट इज पेपर में कन्वर्ट कर देते हो? नहीं ना। वुड को एज इट इज पेपर में कन्वर्ट कर देते हो? नहीं। लेकिन पल्प को आप एज इट इज पेपर में कन्वर्ट करते हो प्रोसेसिंग करके। क्लियर है ये बात? जिस तरीके से वैक्स को गलाकर, पिघलाकर, जोड़कर हम कैंडल बनाते हैं, उसी तरह पल्प को प्रोसेस करके हम पेपर बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पल्प। स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो। डी विल बी द करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग नंदेश, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2017 का ही सवाल है ये भी। सारे सवाल आज एसएससी के ही हैं, एक भी सवाल अपने से नहीं बनाया गया है। गुड, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सबों का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। देखो अलाइव का जस्ट अपोजिट क्या है, जो मर गया है, तो अपोजिट चीज देख रहे हैं, तो क्वेश्चन का अपोजिट क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन का अपोजिट क्या होगा, आंसर होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, सबों का सही आ रहा है, बहुत अच्छा। अब आप खुद ही देख लो कि सीजीएल में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। हमने जो पढ़ाई की है, हमने जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, आप अभी खुद देख लोगे कि सीजीएल में किस तरीके के सवाल है। ये भी सीजीएल का सवाल है। मैंने आपको बोला था कि कोडिंग डिकोडिंग में चार पांच छह तरीके का पैटर्न आता है, वही आपको दिमाग में लगाना है एक के बाद एक। आप खुद आज सीजीएल का मैं सवाल आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप खुद देखोगे कि सीजीएल में क्या पूछा गया है। सवाल लिखकर आंसर दे देना यार, नहीं तो पता नहीं चलेगा किसका आंसर दे रहे हो, कौन से सवाल। सवाल नंबर जरूर लिख देना, गुड। ये देखो सी ए ई, ठीक है, एक्स जेड वी, ये 5, ये 22, ये 1, ये 26, ये 3, ये 24। तो क्या ये दोनों का सम 27 हो रहा है, क्या दोनों का सम 27 हो रहा है, तो जे एच एल का लिख लो भाई, जे इज 10, तो यहां पे क्या आ जाएगा 17। H क्या होता है, एफ जी एच 8, यहां पे क्या आ जाएगा 19। L क्या होता है 12, यहां पे क्या आ जाएगा 15, मतलब यहां पे क्या आएगा O। ठीक है, यहां पे थर्ड लेटर क्या आएगा O, सब चला गया, आंसर A आ गया। क्लियर है। हाँ, आप अपोजिट भी बोल सकते हो, यही चीज मैंने आपको क्लास में भी समझाई थी कि आपको अगर अपोजिट नहीं भी याद रखना है ना, तो आप दोनों का सम जब करोगे तो 27 आएगा। ये देखो इसीलिए 27 से माइनस भी करके ला रहे थे, 22 को क्या लिखते थे 27 माइनस 5, 26 को क्या लिखते थे 27 माइनस 1, और 24 को क्या लिखते थे 27 माइनस 3। तो आपको रिवर्स ऑर्डर याद रहे ना रहे, आप दोनों सम निकाल भी निकाल सकते थे। ये मैंने क्लास में बताया था कोडिंग डिकोडिंग की। गुड इवनिंग सानू। हाँ, ये अल्फाबेट हुआ, दोनों मिक्स है, दोनों मिक्सड है, अल्फाबेट और वर्ड दोनों मिक्स करके दिया है मैंने सवाल को। ठीक है, क्लियर है ये बात। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। सारे सवाल एसएससी के हैं, एक भी सवाल बाहर के नहीं है, 40 के 40 सवाल एसएससी के ही हैं, इसीलिए सब आपको बनाने हैं, सही सही बनाने हैं, प्लीज सही सही बनाना। क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर दो सुनील। 5 का C, 5 का B, नंदेश का बी, शिवानी का सी, ऑल इन वन जोन आयरन। गुड इवनिंग यार, नाम बता देना फिर से। बी आ रहा है, गुड इवनिंग किशन, आप पहली बार आए हो क्लास में, आयरन, वेरी गुड। आयरन विल बी द करेक्ट आंसर। गोइटर एक डिजीज है जो कि आयोडीन की कमी से होती है। एनेमिया एक डिजीज है, वो किसकी कमी से होती है, आयरन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, आयरन की कमी से होती है। वेलकम टू द क्लास किशन। क्लियर है ये बात, एनेमिया जो डिजीज है आयरन की कमी से होती है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। बर्तन धो रहे हैं, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग शुभाश्री। जो जो गलत हो जाए उसको स्टार मार्क लगा के नोट डाउन कर लेना और रिवाइज कर लेना जरूर। ऐसा नहीं है एसएससी में सवाल रिपीट नहीं होते हैं, सवाल रिपीट होते हैं। काफी लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, उन्हें याद होगी ये सारी चीजें, तो किसी भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगा। आप जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया होगा सवाल, उनको लग रहा होगा कि सब कुछ देखा हुआ है, सारे सवाल एसएससी के हैं। ये देखो इलेक्ट्रिक करंट को क्या चीज में मेजर करते हैं,
इलेक्ट्रिक करंट को क्या चीज से मेजर करते हैं? एम्पियर। बोला जाता है ना, देखो 5 एम्पियर का करंट है, 6 एम्पियर का करंट है, ठीक है। उसी तरह किस चीज को हम फैदम में मेजर करेंगे, किस चीज, अच्छा फैदम होती क्या है, व्हाट इज दिस फैदम, कितने लोगों को पता है? हाँ, अब प्रैक्टिस होगा, डेली प्रैक्टिस होगा, सवाल आज के बाद से सवाल प्रैक्टिस होगा। कुछ कुछ कंसेप्ट अगर बच गए हैं मान लो, उनको हम लोग सवाल प्रैक्टिस करते करते ही देख जाएंगे। यार कोई लिमिट नहीं है कितने प्रीवियस प्रैक्टिस करके जाना है, जितना कर सकते हो कर लो। फैदम का मतलब नहीं पता है लोगों को, जिनका भी आंसर डेप्थ ऑफ वाटर आया है प्लीज बताइए फैदम का क्या मतलब है, जिनका भी आंसर डेप्थ ऑफ वाटर आया है प्लीज बताइए फैदम का क्या आंसर है, जल्दी बताइए। बेसिकली जो फैदम है आपका, फैदम डिस्टेंस का यूनिट होता है। फैदम किस चीज का यूनिट होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है। वन फैदम इज इक्वल्स टू व्हाट? 6 फीट, ठीक है। वन फैदम इज इक्वल्स टू व्हाट? 6 फीट, डिस्टेंस का यूनिट होता है। हाँ, डिस्टेंस या फिर लेंथ का यूनिट होता है, क्लियर है ये बात। फैदम जो है डिस्टेंस बोल सकते हो या फिर लेंथ बोल सकते हो, इसकी यूनिट होती है, क्लियर है ये बात। डिस्टेंस का यूनिट होता है, क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, गुड इवनिंग मोहित। इसके साथ कुछ और चीजें सीखेंगे, ठीक है, इसके साथ कुछ और चीजें सीखेंगे। चलो, तो डिस्टेंस का यूनिट है तो इतना तो तय बात है कि आंसर डेप्थ ऑफ वाटर आएगा, ठीक है। कल को एक चीज और लिख लो अपने कॉपी में, नॉटिकल माइल्स। कितने लोगों को पता है नॉटिकल माइल्स क्या होता है, जल्दी बताओ। व्हाट इज दिस नॉटिकल माइल्स? नॉटिकल माइल्स क्या होता है? वेटिंग फॉर योर आंसर। वेटिंग फॉर योर आंसर। जहाज की हाइट, अरे हिंदी में भी यही बोलते हैं, नॉटिकल माइल्स हिंदी में भी यही बोलते हैं। देखो जो भी सवाल है यहां पे, जो भी सवाल यहां पे दिए गए हैं, जिस तरीके से आपके एसएससी ने पूछा है वही सवाल उठा के डाला गया है। फैदम को उन्होंने फैदम ही लिखा था, क्लियर है ये बात। नॉटिकल माइल्स जो है, नॉटिकल माइल्स जो है ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। जैसे जहाज जो होता है ना, जहाज होता है पानी में चल रहा होता है, जहाज समझना इस चीज को, जहाज जो है पानी में चल रहा होता है। अगर कार रोड पे चल रहा होता है तो मान लो ये कार है, ठीक है, कार रोड पे चल रहा होता है तो आप क्या नोट करते हो, कितना माइल कवर किया, कितना किलोमीटर कवर किया, क्या ये बात क्लियर है। उसी तरह जो जहाज है ये अगर पानी में चल रहा है तो जहाज का जो डिस्टेंस आप मेजर करते हो दैट इज नॉटिकल माइल्स, क्लियर है ये बात। किसी को कोई डाउट है नॉटिकल माइल्स में, प्लीज नोट डाउन कर लो इन सारी चीजों को, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, क्लियर है ये। गलती मत करना, ठीक है, जहां पे भी कुछ लगेगा। चलो ध्यान रखना इसको, नॉटिकल माइल्स को, डिस्टेंस का यूनिट है। अगला, गुड, कौन सा जहाज? अरे शिप यार, शिप, शिप क्रूज वगैरह होते हैं ना, शिप जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह होते हैं, डिफेंस के शिप होते हैं, नॉर्मल शिप होते हैं, उनका, वो जहाज की बात हो रही है। पानी वाला यार, हवा में जो जाता है उसे हवाई जहाज बोलते हैं, पानी में जो चलता है उसे बस जहाज बोलते हैं।
गुड इवनिंग कृतिका। एक चीज और लिख लो, इसका आंसर दे दो और इसके साथ एक चीज और लिख लो। एक और यूनिट होता है नॉट, ये स्पीड का यूनिट होता है। जहाज, जो पानी में जहाज चल रहा है उसकी स्पीड, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है, 1.85 किलोमीटर पर आवर। इस नॉट को भी ध्यान में रखना, दे कैन आस्क यू, दे कैन डेफिनेटली आस्क यू दिस। नॉट को रिलेट करके दे देंगे कि क्या चीज का यूनिट है। नॉट स्पीड का यूनिट है। हाँ, और नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस का यूनिट है। चलो, ये वाला आंसर दो। अच्छा, बी आया है लोगों का, रफीक का बी आया है, मोहित का बी आया है। जल्दी बताओ क्या होगा, क्या दे रखा है, एम ई सी टी वी। काफी लोगों को परेशानी होगी। 20, ठीक है, 18, 1, उसके बाद 3, दिस इज 11, दिस इज 13, दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 20 एंड दिस इज 22। एक बार सीधा रिलेशन देखना, 20 और 13, 8, 18 और 5, 1 और 3, 3 और 20, 11 और 22। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा होता है तो क्या करते हैं, साइड वाला रिलेशन देखते हैं, यस और नो। 20 और 5 रिलेशन नहीं दिख रहा है, 18 और 3 नो रिलेशन, 1 एंड 20 नो रिलेशन, सी 3 एंड 22 नो रिलेशन, ठीक है, रिलेशन मुझे नहीं दिख गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये लास्ट वाला देखो जरा, ये 20 दे रखा है तो ये 22 है, ठीक है, ये 18 दे रखा है तो ये 20 है, मतलब क्या प्लस 2 हो रहा है, ठीक है, ये 1 दे रखा है तो ये 3 है, क्लियर है, उसी ऑर्डर में प्रोसीड कर रहे हैं जिस ऑर्डर में आपको कोडिंग डिकोडिंग सिखाया है मैंने। ये 3 है तो प्लस 2 कर दिया, ये 11 है तो प्लस 2 कर दिया, ये 20 था तो प्लस 2 कर दिया था, और ये 18 था तो प्लस 2 कर दिया था। दिखा, क्या ये चीज दिख रहा है, यस और नो। और ये बताओ कि ये मैंने क्लास में बताया है या नहीं पढ़ा है। सानू पूछे सर फिर पार्सेक किसकी यूनिट है, पार्सेक लेंथ की यूनिट है, पार्सेक लेंथ की यूनिट है, क्लियर है। जब आप लार्ज डिस्टेंस मेजर करते हो ना, बहुत बड़ा डिस्टेंस, ठीक है, बहुत बड़ा डिस्टेंस जब आप मेजर करते हो तो पार्सेक में यूज करते हो, तो पार्सेक जो है लेंथ की यूनिट है, क्लियर है, लॉजिक क्लियर है। आंसर निकाल लोगे पॉन्ड का, पॉन्ड का आंसर निकाल लोगे, अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है, आंसर निकाल लेना, क्लियर है, क्लियर है ये बात। यार फिजिक्स मत पूछो यार मुझसे, फर्मी इज ऑल्सो लेंथ ऑफ, ठीक है, क्या होता है फर्मी, यार फिजिक्स नहीं, फिजिक्स फिजिक्स वाले टीचर से। चलो अगला, हाँ, टी का 20, गुड, टी का 20 एम का 13 बन रहा है तो वो नहीं देखना था ना, हमने कोडिंग डिकोडिंग में डिस्कस किया है ना, पैटर्न डिस्कस किया है कि अगर ये नहीं बन रहा है तो क्या देखोगे, अगर वो नहीं बन रहा है तो तीसरे स्टेप में क्या देखोगे, सारे पैटर्न डिस्कस किए हैं हमने। फिजिक्स वाले मास्टर से पूछो, फिजिक्स वाले टीचर लगता है ठीक से नहीं पढ़ाया आप लोगों ने, यूनिट एंड मेजरमेंट उन्होंने अच्छे से पढ़ाया होगा, आपने ठीक से पढ़ा नहीं होगा। गुड इवनिंग राहुल, ऑल इन वन जोन, ठीक है,
जो कोडिंग डिकोडिंग की क्लासेस हुई हैं एसएससी के लिए, पांच चार पांच क्लासेस हुई हैं, आप उनको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चार पांच क्लासेस हुई हैं कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, सारे पैटर्न्स डिस्कस किए हमने। आसान सा सवाल है यार, ये भी पैटर्न डिस्कस किया गया है। सम ऑफ लेटर्स नंबर, गुड, वेरी गुड पीयूष। देखो अकाउस्टिक में ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 3, ओ की वैल्यू क्या है 15, यू की वैल्यू क्या है एसटीयू इजॉटी से 21, एस की वैल्यू क्या है 19, एसटी की वैल्यू क्या है 20, आई की वैल्यू क्या है 9 एंड सी की वैल्यू क्या है 3। ऐड करो 3 × 1 = 4, ठीक है। एक मिनट, ऐड करने का कितने को तरीका पता होता है पहले ये बताओ। आप लोग ऐसे ऐड करना शुरू कर देते हो क्या 3 × 4 = 15, 4 = 19? नहीं, आप जब भी ऐड करो ना, प्लीज लुक फॉर सम सिंपल डिजिट। देखना सिंपल डिजिट किसको मैं बोल रहा हूं, ये 20 है, ये 21 है और ये 19 है, ठीक है। तो 20 से एक ज्यादा यहां पे है, 20 से एक कम ये है, तो क्या मैं इसको ऐड करके 60 लिख सकता हूं? 19 = 21 = 40, 40 और 20 = 60, क्लियर है। उसके बाद देखो 60 और 15 = 75, ठीक है 75, और उसके बाद छोटी वाली चीजों को ऐड करो। उसके बाद ये देखो 75 और 10 = 85, 75 और 10 = 10, कैसे लिखा 9 onward जोड़ के 10, 75 और 10 = 85, और लास्ट में क्या बच गया 6, तो 91। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये चीज 91। तो यहां पे क्या वैल्यू 91 दी गई है। उसी तरह जब आप रेनाउंस को ऐड करोगे, उसी तरह जब आप रेनाउंस को ऐड करोगे तो जो भी मिल जाएगा शायद 95 आएगा आपका आंसर। क्लियर है एसएससी जेपी यार, यहां पे हम सीजीएल सीएचएसएल ठीक है, स्टेनो सीपीओ इनकी बात कर रहे हैं, जीडी इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है अमीर। अभी जेई जेई के बारे में बात नहीं हो रही है यहां पे, हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 95 विल बी द राइट आंसर, 95 आएगा। ये बनाओ, एकदम कोडिंग डिकोडिंग का रिवीजन हो जाएगा। अब से डेली के डेली बेसिस पे सवाल डिस्कस होंगे, और जो भी टॉपिक्स का कुछ पार्ट छूट गया है ना, उसको भी सवाल में इंक्लूड करके डिस्कस कर लेंगे। अमीर अहमद पूछ रहे हैं, ओके सर क्या मुझे इस क्लास से कुछ फायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सीजीएल सीएचएसएल अगर देख रहे हो तो बिल्कुल फायदा होगा। जो भी एग्जाम में आपको रीजनिंग आती है उस एग्जाम में आपको फायदा होगा, ठीक है अमीर। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग तो आती ही है, एनालॉजी तो आती ही है, हर एग्जाम में ये सवाल आते हैं। आना चाहिए यार, सबों का आंसर आना चाहिए, आसान है। देख वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा अगर 25 और 4 का रिलेशन देखने जाओ तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसी तरह 24 और 7 का रिलेशन देखने जाओ तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बीच वाले चीजों को देखते हैं, बीच वाले जो नंबर्स हैं उनको देखते हैं। तो देखो 15 + 6 = 21,
14 प्लस 7 21, 5 प्लस 8 13, इसी क्रम में बढ़ते तो ये 9 होता, 24 और 9 क्या हो जाता 33, क्या 33 को हम 26 प्लस 7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक उसी क्रम में 6 के पहले यहां क्या आता प्लस 5, तो 25 प्लस 5 क्या हो जाता 30, क्या 30 को हम 26 प्लस 4 लिख सकते थे, सिखाया था क्लास में, यस और नो? क्या लॉजिक मिल गया सबों को? लॉजिक मिल गया सभी को, क्या होना चाहिए? वेरी गुड, सबका ए आया है ना, किसी को कोई डाउट नहीं, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो नेक्स्ट। कोशिश करना जो भी सवाल अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपके जो एसएससी एग्जाम का जो लेवल है उसी लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हार्ड सवाल डिस्कस करने थे। हाँ मैंने क्लियर, मैंने बोल रखा है 2017 के सवाल है, मैंने पहले ही आप लेट आए हो, क्लियर आप लेट आए हो, मैंने क्लास के शुरुआत में क्या बोला है, आज जितने भी सवाल है सब एसएससी के सवाल है, ठीक है, आज जितने भी सवाल है सब एसएससी के सवाल है, प्रैक्टिस शुरू हो गई है, प्रैक्टिस करना है अब हम लोगों को। चलो अमीटर से क्या मेजर करते हैं? करंट। अमीटर से क्या मेजर करते हैं? करंट। ठीक है उसी तरह देखो स्केल से क्या मेजर होता है, स्केल से क्या मेजर होता है? मीटर, डिस्टेंस या फिर लेंथ। अच्छा सिस्मोग्राफ से क्या मेजर होता है? इसका आंसर मुझे दे दो, ये जो भूकंप लेखी है इससे क्या मेजर करते हो? बाकी चैप्टर आपका एक सीटिंग अरेंजमेंट है जिसके बेसिक सवाल है, ठीक है, एक सीक्वेंस टेस्ट है, ठीक है, ये रिवीजन में ही कवर करेंगे, ठीक है रिवीजन में ही कवर करेंगे आशीष, किसी एक दिन रिवीजन कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा मन भर जाएगा तो टॉपिक कवर कर लेंगे ये सारी चीजें। अर्थक्वेक रिक्टर स्केल, भूकंप तीव्रता, हाँ तीव्रता, वेरी गुड। सिस्मोग्राफ से आप इंटेंसिटी मेजर करते हो, कितनी इंटेंसिटी की भूकंप आई है ये मेजर करते हो, क्लियर है ये बात? किसी एक दिन सुबह में पढ़ा दीजिए। नहीं नहीं मैं पढ़ा तो दूंगा ही, छोड़ूंगा नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, पढ़ा दूंगा किसी दिन। अभी मैं ये बोल रहा हूं ना कि हम थ्योरी थ्योरी करते करते काफी दूर तक आ गए हैं, काफी लोगों को ये डर लग रहा होगा कि सर सर ने तो सवाल प्रैक्टिस ही नहीं कराया, तो 5-6 दिन सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद वो 2 चैप्टर कर देंगे, ठीक है। देखो अमीटर से करंट, स्केल से डिस्टेंस या लेंथ, सिस्मोग्राफ से इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं? बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं जल्दी बताओ, बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं जल्दी बताओ, आंसर दो इसका, बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं? बैरोमीटर से प्रेशर, वेरी गुड, प्रेशर वेरी गुड, वायु दाब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है तो ये तीनों तो गलत हो गए, आंसर क्या हो जाएगा? डी। एनीमोमीटर से क्या मेजर करते हैं? विंड स्पीड। ठीक है चलो नेक्स्ट, ध्यान से बनाना, सीजीएल 2017 का सवाल है ये, जिनको नहीं पता होगा आंसर तो नहीं दे पाओगे इसका, नहीं पता होगा तो आंसर नहीं पता हो, नहीं ही पता होगा। रूट डी, कितने? अच्छा सबों को रूट और स्टेम में कंफ्यूजन है, अदरक जो है रूट नहीं होता है स्टेम होता है, आज के बाद से इस पे एक स्टार लगा लो, क्लियर है? क्लियर है ये बात? अदरक क्या होता है? स्टेम होता है, रूट नहीं होता है, स्टार लगा लो इसको, स्टेम इज द राइट आंसर।
अदरक इज अ स्टेम नॉट अ रूट, स्टार लगा लो इसको प्लीज। सीजीएल 2017 का सवाल है ये। नेक्स्ट, ये भी 2017 का सवाल है। अरे बफेलो नहीं आना चाहिए यार किसी का। काउ इज द राइट आंसर, काउ इज द राइट आंसर। देखो मेल इज टू फीमेल लिखा गया है यहां पे, देखो लायन लायनेस, ठीक है। उसी तरह बुल लिखोगे तो बुल का जो फीमेल होती है वो क्या होता है, काउ होता है, तो काउ विल बी द राइट आंसर। बफेलो नहीं होगा, अरे बफेलो नहीं होगा यार, काउ विल बी द राइट आंसर, काउ विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये सवाल जो है एसएससी का ही सवाल है बट 2017 का सवाल नहीं है, और इसमें इकोनॉमी का कंसेप्ट यूज किया गया है, अर्थव्यवस्था। लेट्स सी कितनों को आता है। इसीलिए मैंने बोला था कि जीके का कंसेप्ट ज्यादा यूज होता है इस चैप्टर में, इसमें क्लासिफिकेशन में जीके का कंसेप्ट यूज होता है। ए बी सी डी भी बोल दो कोई। देखो ध्यान रखना, सीख लो। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर, लेकिन सीख लो। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं कि अगर आप उस प्रोडक्ट फैक्टर को यूज करते हो तो उसके बदले में इनकम जनरेट होती है। उसके बदले में क्या जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है। तो एक बार एक एक करके सबको देख लेते हैं। लेबर के लिए क्या जनरेट होता है इनकम के फॉर्म में, वेज, ठीक है। लैंड के लिए, लैंड को यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, जैसे कि हाउस हो गया, इसके लिए क्या जनरेट होता है, रेंट, ठीक है। उसके बाद कैपिटल होता है, कैपिटल का जो इनकम होता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, इंटरेस्ट। इसको इस तरीके समझो, आपके पास पूंजी है 50,000 रुपए, आपने जाके बैंक में जमा कर दिया, आपने क्या किया, बैंक में जाके इसे जमा कर दिया, तो आपका इनकम क्या होगा, इंटरेस्ट होगा ना इसके ऊपर, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, यस और नो, आपका इनकम क्या होगा, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो कैपिटल का क्या होता है, कैपिटल का इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। क्लियर है ये बात, इज दिस क्लियर टू यू। और लास्ट होते हैं एंटरप्रेनर्स, ठीक है, लास्ट कौन से होते हैं, एंटरप्रेनर्स, और इन्हें क्या रिवॉर्ड मिलता है, प्रॉफिट, लाभ। क्लियर है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उनका इनकम आपको क्लियर है। ठीक है, आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट, आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरनेट, क्लियर ने इंटरनेट लिखा है, समझ लो। कल हो सकता है इन्हें भी आपको मैच करने के लिए दे दे, इसलिए मैंने ये डिटेल में बता दिया है, हो सकता है कल को इसको भी मैच करने के लिए दे दे, तो प्लीज दिमाग में रखना। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इकोनॉमी में, हर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो इनकम होता है अलग अलग टर्म्स में डिपेंड होता है। जो लेबर होते हैं, लेबर जब काम करते हैं, लेबर जब काम करते हैं अपना इनपुट देते हैं, तो उन्हें बदले में क्या मिलता है, वेज मिलता है। अगर आप अपना लैंड या फिर हाउस देते हो किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए, तो आपको बदले में क्या मिलता है, रेंट मिलता है, ठीक है। उसी तरह जब आप अपना पैसा लगाते हो तो बदले में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को बदले में क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर क्या लेता है, रिस्क लेता है, और उस रिस्क के बदले उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है, प्रॉफिट। नेक्स्ट,
हाँ, वेज मतलब भी मनी ही हुआ, प्रॉफिट का मतलब भी मनी ही हुआ, ठीक है। लेकिन बोलने का अलग अलग तरीका है आशीष, ऐसा इकोनॉमी में डिफाइंड है। इनफैक्ट इंटरेस्ट भी जो है वो भी एक तरीके का मनी ही हुआ, बट द वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड इज दैट। सी आ रहा है लोगों का, वेरी गुड। वेरी गुड। संतोष ट्रॉफी किस चीज से डीलिंग होती है? फुटबॉल से। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है, संतोष ट्रॉफी किस चीज से है? फुटबॉल से। गुड। जीके का सवाल है ये, एकदम प्योर जीके का सवाल है, यस और नो? जल्दी से बता दो मुझे, रणजी ट्रॉफी अगर लिखा होता तो क्या आंसर आता? भूल जाओ अब ये, संतोष ट्रॉफी भूल जाओ, रणजी ट्रॉफी लिखा होता तो क्या आंसर आता? रणजी ट्रॉफी लिखा होता तो क्या आंसर आता, जल्दी बताओ, कंसेप्ट रिवाइज कर लो फटाफट। रणजी ट्रॉफी लिखा होता तो क्या आंसर आता? संतोष ट्रॉफी की जगह अगर रणजी ट्रॉफी लिखा होता तो क्या आंसर आता? क्रिकेट। वेरी गुड। क्या आंसर आता? क्रिकेट। क्लियर है? क्रिकेट शायद नहीं, समझ लो क्रिकेट ही आता, क्रिकेट ही आता, शायद नहीं, क्रिकेट। ठीक है, वेरी गुड। विजय हजारे ट्रॉफी लिखा आता तो क्या आता आंसर? देखो मैं वेरिएशंस भी करा दे रहा हूं, मान लो कल को एग्जैक्ट ये क्वेश्चन ना आकर ये सारे आ जाए तो आसान होते हैं ये सब सवाल, गलत नहीं करना। विजय हजारे ट्रॉफी लिखा होता तो क्या आंसर आता? अरे ऑप्शन भूल जाओ, हमको गेम का आंसर दो, ट्रॉफी करवा दीजिए। तो भी क्रिकेट, वेरी गुड। इसका भी आंसर क्या है? क्रिकेट है। ठीक है, अच्छा। थर्ड थिंग, अगर यहां पे डुरंड कप आता, अगर यहां पे डुरंड कप आता तो क्या आंसर आता? क्रिकेट इज द राइट आंसर फॉर विजय हजारे, डुरंड कप का आंसर दो। फुटबॉल, हॉकी नहीं है, फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, वेरी गुड, फुटबॉल विल बी द राइट आंसर, फुटबॉल सही आंसर होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये जो वर्ड है इसको मैं अलग से लिख देता हूं, YNSEIP और M, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको ऊपर पे मैंने लिख दिया है, ये जो वर्ड है ना यहां पे इसको मैंने ऊपर पे लिख दिया है। हॉकी नहीं होगा, फुटबॉल होगा। ठीक है कृष्णा, सारे कंसेप्ट एग्जाम में थ्योरी क्लास में समझा दिए गए हैं, यहां पे बस और बस आंसर डिस्कशन होगा। ठीक है,
ट्राई करो ट्राई करो, वेटिंग फॉर योर आंसर। कुछ ही लोगों के आंसर आए हैं। क्लास में इस तरीके का पैटर्न डिस्कस कर लिया है हमने। वेरी गुड, बहुत सुंदर, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, अच्छी बात है। वाह, फाइनली शिवांशी का भी आंसर आ गया, मतलब इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि क्या आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये देखो पहला स्टेप क्या था, क्या 1-to-1 रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात, क्या रिवर्स ऑर्डर में कुछ दिख रहा है? रिवर्स ऑर्डर में कैसे दिखता? नंबर का सम 27 दिखता, वो भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या, एक बार फिर हॉरिजॉन्टल ये स्लैंट वाला देखेंगे, स्लैंट वाला देखेंगे, यस और नो? देखना जरा, कुछ रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। 12 + 2 = 14, 21 - 2 = 19, 3 + 2 ठीक है 5, 11 - 2 = 14, 15 - 2 = 2, और लास्ट में क्या है 23 + 2, जिसको उठा के कहां लिख दिया गया है, यहां पे। क्या ये पैटर्न क्लास में डिस्कस हुआ था? क्या ये पैटर्न क्लास में डिस्कस हुआ था? और ये सीजीएल 2017 का सवाल है, किसी सेशन में आया होगा सीजीएल 2017 का सवाल है। क्या ये पैटर्न क्लास में डिस्कस हुआ था? मैंने बोला था ना कि यही सारे पैटर्न्स पे सवाल आते हैं, आते थे, आते हैं और आते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कन्वर्ट को अगर निकालो तो यहां पे 3 और उसमें क्या करना होगा, पहले में +2 है तो 5, तो यहां पे क्या आएगा, ई आएगा। सेकंड प्लेस पे क्या आएगा, ई आएगा। ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। यहां पे क्या है, ओ मतलब 15, 15 - 2, यहां पे क्या आएगा, 13 आएगा। 13 का मतलब क्या होता है, एम, मतलब सेकेंड और थर्ड प्लेस पे, सेकेंड और थर्ड प्लेस, सॉरी सेकेंड और थर्ड प्लेस पे ई और एम दे रखे हैं, ठीक है। बाकी देखो ये 14 है, यहां पे क्या आएगा, +2 मतलब 16, 16 आएगा। 16 का वैल्यू क्या होता है, पी, ई एम पी आना चाहिए। यहां पे देखो क्या है, ई एम पी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है ये बात? बाकी सारों को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन गलत दे रखा था उन्होंने, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो क्या गलती थी, R की वैल्यू क्या होती है, RST 18, ठीक है। तो लास्ट में क्या आना चाहिए था, T आना चाहिए था, यस और नो? लास्ट में क्या आना चाहिए था, T आना चाहिए था। तो ये P की जगह क्या आना चाहिए था, यहां पे T आना चाहिए था, लेकिन सबों का आंसर C आ गया है। किसी ने मुझे टोका नहीं कि सर लास्ट में T आएगा, जब SSC को किसी ने नहीं टोका तो फिर हम लोग क्या ही है। नेक्स्ट, ये थोड़े ना सोचा कि ऑप्शन, यही बात है आशीष। लोगों को मैंने, सुनो, लोगों को मैंने ये पढ़ाते हुए देखा है कि आप ऐसा करो, पहला लेटर और आखिरी लेटर चेक कर लो, तो कभी आप नहीं कर पाते चेक। इसीलिए 2-3 लेटर्स बीच के भी कभी कभी रैंडमली उठा के चेक किया करो, शायद जापान की है। पार्लियामेंट कहां की है, ब्रिटेन की। डाइट कहां है, डाइट कहां है, जापान। अच्छा, अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं, सेनेट और कांग्रेस। इंडिया का लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। जापान विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बी और डी में कंफ्यूजन है। नहीं 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 नीदरलैंड्स नहीं है, डाइट इज फॉर जापान।
जहां पर भी थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन है आप उसको स्टार मार्क लगा के कर लेना, बस एक बार रिवाइज कर लेना और कुछ नहीं करना है। दोबारा सारे सवाल नहीं बनाने हैं, जो गलत हो रहे हैं सवाल उसको स्टार मार्क कर लेना, पीडीएफ मिल जाता है ग्रुप पे, पीडीएफ डाउनलोड करो, उस सवाल को एक बार देख जाना बस। वेरी गुड, स्किप शेल। नन कहां रहती हैं? कॉन्वेंट में। नन कहां रहती हैं? कॉन्वेंट में, ठीक है। हेन कहां रहेगी? कोर्ट, बाड़े में, ठीक है। आंसर क्या होगा? कोर्ट, ठीक है। चल, इसमें ज्यादा लॉजिक है नहीं यार। जीके में क्या लॉजिक लगाओगे भाई? जीके में कोई लॉजिक है? जीके में पता है तो पता है, नहीं पता है तो गलत है। कृष्णा कुमार, आपका वीडियो लगता है पीछे चल रहा है। जो लोग भी बाद में वीडियो देख रहे हो, मतलब जो लोग भी रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देखते हो, मैं आपको ये एम्फेसाइज करूंगा कि प्लीज क्लास में आकर देखो अभी से लेके अपने एग्जाम्स तक, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि आप रियल टाइम में सवाल को सॉल्व करोगे। अब बाद में मत देखना, अब कोशिश करो कि क्लास में ही देख लो। अगर नहीं हो पाता है तो अलग बात है, बट कोशिश करो कि क्लास में ही कंप्लीट कर देना है, ये टाइम फिक्स रखना है। इसका आंसर मुझे भी निकालना होगा, बट पता नहीं है मुझे भी। बी आ रहा है लोगों का आंसर? डी भी आ रहा है लोगों का आंसर? कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, मुझे तो दिख गया, मुझे तो नहीं पता था इसका आंसर, बट मुझे दिख गया ऑप्शन, आंसर से मुझे कुछ कुछ नजर आ रहा है। कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्व करो चीजों को। जिनका भी नहीं आया है ऑब्जर्व करो चीजों को, दिखेंगी। सी और ए आ रहा है लोगों का। ये भी आपका एसएससी का सवाल है, ये देखो। गुड इवनिंग शिबू, बहुत कंफ्यूजिंग। ये वाला पार्ट भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, देखो। सी डी पी क्यू, ठीक है, एलिमेंट ओ पी, ठीक है, एम एन, तो हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस? सी डी ओ पी एम एन पी क्यू, मतलब प्लस वन, क्लियर है? उसी तरह इसको देखो, टी यू, टी के बाद यू, ठीक है, क्यू आर, क्यू के बाद आर, ठीक है, ए बी सी डी के बाद ई और एस के बाद क्या? टी, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ देखो तो प्लस वन, और अगर यहां से ऊपर वाले पार्ट से नीचे की तरफ पार्ट की तरफ देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? माइनस वन, क्लियर है? तो ये वाला पार्ट इज प्लस वन, दिस वाला पार्ट इज माइनस वन, कर लोगे? ये वाला पार्ट क्लास में कराया है या नहीं कराया, पहले ये बताओ। ये वाली चीज क्लास में कराई है या नहीं कराई है, इसका आंसर दे दो।
तो एक बार लैंग्वेज का भी निकाल लेते हैं यार। एक बार लैंग्वेज का भी निकाल लेते हैं, जी के जगह एच, ठीक है, जी के जगह एच, एन के जगह ओ, ठीक है, ए के जगह बी और जे के एल के जगह एम, एच ओ बी एम, एच ओ बी एम, दो तो निपट गए, दो तो निपट गए, ठीक है। इसको देखना जरा लैंग्वेज में, ठीक है, यहां पे क्या आएगा टी यू, यहां पे क्या आएगा एबीसी डी ई, डी ई टी यू, ठीक है, और जी के जगह क्या आएगा ई एफ जी, एफ, ठीक है, एफ के बाद जी, और यहां पे क्या आएगा जेड, जेड के बाद ए, मतलब अगला लेटर क्या होगा डी एफ जेड टी, तो डी एफ जेड टी भी है, आंसर क्या होगा सी, आंसर क्या होगा सी होगा, ठीक है, क्लास में कराया है पैटर्न। नेक्स्ट, लोमड़ी को चालाक लिख रखा है तो खरगोश का क्या होगा, ये आपको आंसर देना है। फॉक्स इज कनिंग, रैबिट का क्या होगा, लोमड़ी को चालाक लिख रखा है तो खरगोश का क्या होगा, खरगोश के बाद क्वेश्चन मार्क बना रखा है, ये सब पता होना चाहिए, ये सब जीके का नॉलेज है यार। टिमिड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रैबिट का क्या होता है, रैबिट क्या होता है डरपोक होता है, लोमड़ी क्या होता है चालाक होता है, रैबिट क्या होता है डरपोक होता है, ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट, सबों का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। लचीला का कठोर दे रखा है तो आत्मविश्वास का क्या होगा, संजय राज सी आंसर दे रहे, किसका आंसर दे रहे हो सी, क्वेश्चन नंबर लिख दो संजय, 20 का ए आया है, सी भी आ रहा है लोगों का ए, देखो लचीला से आप कठोर, मतलब जस्ट अपोजिट लिख रखा है, तो आत्मविश्वास अगर किसी को है, मान लो आपको थिएटर में जाकर डिबेट देना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो आप अच्छे से जाकर दे पाओगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, यहां पे क्या आना चाहिए वर्ड, कॉन्फिडेंस जहां पे कम हो, कॉन्फिडेंस जहां पे कम हो, तो कॉन्फिडेंस कब कम होगा, जब आप संकोच करोगे बोलने में, ठीक है, डिफिडेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जब आप संकोच करोगे, ठीक है, तो आंसर क्या होगा ए होगा, संकोच मतलब डिफिडेंस, क्लियर है, कायरता नहीं होगा कॉन्फिडेंस का, वीरता का कायरता होगा, मतलब ब्रेवरी अगर लिखा रहता तो आप लिखते कॉवर्डाइस या फिर कायरता, क्या ठीक है, क्लियर है ये बात, ब्रेवरी अगर लिखा होता तो आप कॉवर्डाइस लिखते कायर। नेक्स्ट, ध्यान से बनाना, ध्यान से बनाना नहीं तो गलत हो जाएगा। दुख का रोना लिख रखा है तो खुशी का क्या होगा, जॉय लाफ, जॉय लाफ, बस इसी दोनों में संकोच होगा आप लोगों को, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, लाफ विल बी द करेक्ट आंसर, लाफ इसलिए सही होगा क्योंकि रोना क्या है, एक क्रिया है, एक काम है जो तुम आप कर रहे हो, जॉय इज लाइक अ व्हाट, फीलिंग, ये आप फील करते हो, क्लियर है ये बात, तो खुशी का मतलब क्या होगा, लाफ होगा, ठीक है, आप एक काम करोगे, आप एक एक्शन परफॉर्म करोगे, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्शन परफॉर्म करना, दुख में आपने क्या एक्शन परफॉर्म किया, रोना, खुशी में आपने क्या एक्शन परफॉर्म किया, लाफ, ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी सही होगा, हाँ, अगर यहां पे दुख से, सुनो कब आपका आंसर जॉय होता है, दुख का मतलब अगर दुखी दे रखा होता
तब आप खुशी का मतलब जॉय लिखते, ठीक है, हर्ष। क्लियर है ये बात? खुशी में लोग रोता भी है। अरे ये सब दिमाग लॉजिक लगाओगे आशीष, एग्जाम में चीजें गलत हो जाएंगी। खुशी में आपको नॉर्मल जो खुशी होती है उसके हिसाब से आपको देखनी होती है चीजें को, ठीक है? क्लियर है? खुशी का हर्ष कब होता? जब दुख का दुखी दे रखा होता तो। नेक्स्ट, प्रकाश का अंधकार दे रखा है तो ज्ञान का क्या होगा? यार ये सब तो हिंदी में देखकर ही आप लोग आंसर ले आओगे, टफ है ही नहीं ये सारी चीजें। इंग्लिश वाले को तकलीफ होगी, हिंदी वालों को तकलीफ नहीं होगी, लिखा है वहां पे। वेरी गुड। इग्नोरेंस, देखो लाइट का अपोजिट क्या है? डार्कनेस। नॉलेज का अपोजिट क्या होगा? इग्नोरेंस। हिंदी में देखो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, जिनको भी हिंदी अच्छे से आती है, अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी वाला वर्ड टफ है तो एक बार हिंदी ऑप्शन जरूर चेक करना, एक बार हिंदी ऑप्शन जरूर चेक करना। आपको मैक्सिमम टाइम हिंदी वाले ऑप्शन से ये एनालॉजी का जो लेटर एनालॉजी है ना, वर्ड एनालॉजी जो है, वर्ड लेटर नहीं, वर्ड एनालॉजी जो है ना, मैक्सिमम टाइम आपको हिंदी से सही आंसर आ जाता है, ठीक है? तो ज्ञान से क्या होगा? अज्ञानता, मतलब इग्नोरेंस। सी वाला सुधरवा ने क्या सुधरवाना है? चमकदार लिखा हुआ है, ये चमकदार लिखा हुआ है सी में। नेक्स्ट, ये दे रखा है स्टेथोस्कोप का हार्ट बीट, और क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि टेम्परेचर से रिलेटेड क्या होगा, इस तरीके का सवाल है। सबको पता होना चाहिए यार, ये तो ये सारे सवाल मत गलत कर देना, ये सारे आसान सवाल होते हैं आपके। वेरी गुड। अरे ये कैसे गलत कर दोगे भाई? यार ये मत करो भाई, ये नहीं गलत कर सकते हो आप। हार्ट बीट को क्या चीज से मेजर करते हैं? स्टेथोस्कोप से। टेम्परेचर को क्या चीज से मेजर करेंगे? थर्मोमीटर से ना, मरकरी थोड़ी ना मेजर करेंगे। मरकरी तो थर्मोमीटर में आप यूज करते हो, मरकरी को आप थर्मोमीटर में यूज करते हो, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है? थर्मोमीटर। यहां पे हार्ट बीट के रिलेटेड क्या दे रखा है? उसका इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप। तो टेम्परेचर का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? थर्मोमीटर। नहीं, बफरिंग नहीं हो रहा है मेरे तरफ से, क्लियर है? थर्मोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। अरे इंस्ट्रूमेंट है, हार्ट बीट मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट दे रखा है। हेलो मोहित। नेक्स्ट, सवाल नंबर लिखकर आंसर दो। इन तरीके के सवाल में एक बार सारे ऑप्शंस जरूर पढ़ना। गुड। बसंत ऋतु के बाद क्या आता है? समर। तो यहां पे जो डेज दे रखे हैं, तो यहां पे पहला दिन आएगा और उसके बाद वाला दिन आएगा। देखना यहां पे संडे के बाद क्या आता है? मंडे। ये हो सकता है। थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे होता है। क्या ये होगा? नहीं। ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेंसडे। ये भी नहीं होगा। फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे। ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? बी नहीं होगा वर्षा, ए होगा आंसर। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
सवाल नंबर लिखकर आंसर देना। हाँ, कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आपने इससे और इसका रिलेशन जो सोचा है वो अगर सही सोचा है तो कंफ्यूजन नहीं होगा यार, नहीं होगा ना कहीं कंफ्यूजन। देखो फसल को आप कहां ग्रो करते हो, खेत में, ठीक है, तो ओर आपको कहां मिलता है, ओर आपको कहां मिलता है, ओर का एग्जाम्पल आपको दे रखा है आयरन। हमें क्या खोजना है कि ओर कहां मिलता है, ठीक है, ओर कहां मिलता है, माइंस में, ओर कहां मिलता है, माइंस में, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर फैक्ट्री में जाके तो प्रोसेस होता है, फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, क्या यहां पे क्रॉप का प्रोसेसिंग लिख रखा है, क्रॉप का प्रोसेसिंग कहां होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, क्लियर है, तो और कहां मिलेगा, माइन में मिलेगा। वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन, वसंत पंचमी मनाते हो, अभी फरवरी में वसंत पंचमी मनाया था, तो दैट इज स्प्रिंग सीजन। विंटर के बाद का जो सीजन रहता है ना और समर के जस्ट पहले, उसे हम लोग स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, उसे बोलते हैं वसंत ऋतु। क्लियर है आशीष? आप लोगों ने जीके में सरकार की स्कीम तैयार कर ली है, सबको पता है पीएम किसान में कितने रुपए सरकार देती है, जल्दी बताओ, पीएम किसान में डीबीटी के थ्रू कितने रुपए फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है सालाना। गर्मी का मतलब समर होता है आशीष, माइन होगा इसका आंसर 6,000 रुपए, वेरी गुड, कितना होता है 6,000 रुपए, वेरी गुड, 6,000 पर ईयर। अच्छा, कितने लोगों ने प्रधानमंत्री संपदा योजना के बारे में सुना है? देखो मैं इसलिए ये बता दे रहा हूं क्योंकि ये क्रॉप से रिलेटेड था, इसलिए बता दे, संपदा योजना के बारे में कितने लोगों ने सुना है, ये प्रधानमंत्री संपदा योजना ये किस चीज के लिए है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस लिए है, जल्दी बता दो। ये जो फूड प्रोसेसिंग की बात कर रही थी ना, फूड प्रोसेसिंग का मतलब समझना, आपने आम को ग्रो किया, ठीक है, आम से जो अचार बना रहे हो ना, आम से क्या कर रहे हो, जो अचार बना रहे हो उसे क्या बोल रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अच्छे से डेवलप करने के लिए उसे हम क्या बोल रहे हैं, पीएम संपदा। क्लियर है? नहीं, टीचर के लिए नहीं है, टीचर के लिए नहीं है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए है, ठीक है, फूड के लिए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली के लिए है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये फूड प्रोसेसिंग के लिए है। क्लियर है? ऑल इन वन जोन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, वो संपदा छोटा वाला संपदा है, ये बड़ा वाला नहीं है, कैपिटल में लिखा हुआ वाला नहीं है, ये मछली के लिए है। ये पीएम किसान संपदा, इसमें एस कैपिटल, ए कैपिटल, एम कैपिटल, पी कैपिटल, ए कैपिटल, डी कैपिटल और ए कैपिटल, ये किसके लिए है, ये आम से जो अचार बना रहे हो ना इसके लिए, ठीक है। ये सारे स्कीम न्यूज में थे पिछले एक सालों में, 6 महीने में ये सारे स्कीम न्यूज में थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हेलो अंकुश, ठीक है, और के लिए भी न्यूज में था, एमएमडीआर एक्ट, बट नहीं पूछा जाएगा,
ओवर वाला भी न्यूज में था, ठीक है बाद में। नेक्स्ट इसको बताओ। इसलिए मैंने आपसे कैपिटल एस वाला पूछा मोहित, आपसे मैंने कैपिटल एस वाला पूछा है, ठीक है। मत्स्य संपदा मानव संपदा इज समथिंग स्मॉल एस, ठीक है। कैपिटल एस आप देखना वहां पे, कैपिटल एस में आपको अलग आंसर मिलेगा, ठीक है। अरे पेन इंक मत दो यार, इसका आंसर इतना कैसे पेन इंक होगा? सीजर से आप क्या करते हो, क्लोथ को कट करते हो, कैंची से कपड़ा काटते हो, ठीक है। तो यहां पे वो काटना वाला रिलेशन कौन सा है? रेजर और शेव के बीच में, रेजर और शेव के बीच में आंसर क्या होगा? बी होगा, क्लियर है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये स्टिंग लिखा हुआ है, ये मृत्यु लिखा हुआ है, ये प्लेग लिखा हुआ है। प्लेग है, प्लेग। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इन सारी चीजों की। डॉग के काटने से क्या होता है? रेबीज। मच्छर के काटने से क्या होगा? मलेरिया। वेरी गुड, गुड इवनिंग हिमांशु। अरे मरोगे थोड़ी मच्छर के काटने से, मच्छर काटने से आप मर जाते हो। हेमंत पांडे बोल रहे हैं नो लाइक लक। नेक्स्ट यार सेशन को शेयर और लाइक कर देना यार। याद आ गया, आप लोग लिखते हो तब मुझे याद आता है। उतने देर से किसी ने लिखा नहीं था लाइक। मुझे यार आप कितने दिन के बाद मैंने बोला होगा, कुछ लोग पीछे चल रहे हैं। घड़ी से क्या देखते हो? घड़ी में क्या देखते हो? समय। थर्मोमीटर में क्या देखते हो? टेम्परेचर। थर्मोमीटर में क्या देखते हो? टेम्परेचर। यार एक चीज आपने अभी तक नोटिस किया, आपने अभी तक क्या एक चीज नोटिस किया? क्या नोटिस करना था? ये जो थर्मोमीटर है, ये जो थर्मोमीटर और टेम्परेचर जो है, तीन चार जगह तो इसी सेशन में आ गया है। Yes or no? Hello केशव, ये जो थर्मोमीटर और टेम्परेचर वाला जो रिलेशन है, तीन चार सेशन में तो, तीन चार बार तो हमारे ही सेशन में आ गया है। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि प्लस इस पे स्टार लगा लो, इस पे क्या करो स्टार लगा लो, ये आपको कहीं पे भी दिखने मिल जाएगा। बी एक्स्ट्रा कॉशियस। मेरा आंसर देखने आप पीछे। नेक्स्ट थैंक्स हेमंत, प्लीज सवाल का जवाब दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सवाल। यहां पे हमारे क्लास में आए हो, सीख कर जाओ, ठीक है। लाइक शेयर कर देना, अगर अच्छा लगे तो कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। शायद ही आपको कोई डिसलाइक करने के लिए टीचर बोलता होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा टीचर मिलूंगा जिसको मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। इससे मुझे पता चलता है कि मैं कितने अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से पढ़ाया हूं आपके क्लास को, ठीक है। तो मेरा इंप्रूवमेंट होगा, अगले बार जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा। चलो बी आ रहा है लोगों, वेरी गुड। डॉक्टर के पास कौन जाता है? पेशेंट। डॉक्टर के पास कौन जाता है? पेशेंट, ठीक है।
तो लॉयर लॉयर के पास कौन जाता है, हिंदी में देखो मुवक्किल, वकील के पास मुवक्किल, और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, क्लाइंट। नेक्स्ट सर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप नंबर अब फिलहाल तो अभी आप लोगों के लिए ये वाला है, यहां पर लिख रखा है। इंस्टीट्यूट का नंबर है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। मैं जब ठीक हो जाऊंगा अच्छे से, जब मैं वॉक कर पाऊंगा तब मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। अभी मेरी तबीयत पिछले 7-8-9 महीने से खराब चल रही है, अभी तक ठीक नहीं हुआ हूं। आज भी डॉक्टर के पास गया था दिन में, उन्होंने बोला कि अभी और समय लगेगा। क्या करोगे पर्सनल वाला लेकर, रिप्लाई तो मैं करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास खुद टाइम नहीं होता है। तुक्का लगाने का ट्रिक, नहीं यार ये चीज तो मुझे नहीं आती है तुक्का लगाना। तुक्का तभी लगता है जब आपके पास दिमाग में अच्छा इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। उसको तुक्का नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेस। जब आप कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद आप इंटेलिजेंट गेस लगाते हैं। कल एग्जाम है प्लीज। देखो एनकरेजमेंट से क्या मिलती है, विक्ट्री। फ्रस्ट्रेशन से क्या मिलेगा, फेलियर। फ्रस्ट्रेशन से क्या मिलेगा, फेलियर, ठीक है। फेलियर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब 4 में से 2 का पता हो तब वो भी जो आप एलिमिनेट करते हो इंटेलिजेंट गेस लगाकर एलिमिनेट करते हो। सर आप यूपीएससी, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, अब करवाता हूं। थैंक्स अंकुश, प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हॉर्स का रेस, दो दो बाकी लोग आंसर दो, 4-5 आंसर ही आए अभी तक मेरे पास। हेल्पलेस नहीं हुए अमीर, जितने भी सवाल आए उसको अच्छे से करना, अच्छे से ट्राई करना। इजी क्वेश्चंस तो हैं ही, इजी क्वेश्चंस तो हैं ही। और धर्मेंद्र मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने बहुत शुरू में ही क्लास के बता दिया, ये सारे एसएससी के सवाल हैं, मेरे एक भी सवाल नहीं है, ठीक है। अच्छा, डॉग किसके साथ रिलेशन है, कैनाइन के साथ। हॉर्स का रिलेशन किसके साथ है, हूफ के साथ। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये कैनाइन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है डॉग से रिलेटेड, डॉग से क्या, रिलेटेड, ठीक है। अरे कैनाइन टीथ भी होती है, मोलर प्री मोलर, ठीक है, कैनाइन टीथ भी होती है। नहीं बफरिंग नहीं हो रहा है यार, ये सब मत बोल। भौंकना इज बार्किंग, भौंकने का क्या मतलब होता है, बार्किंग, ठीक है। कैनाइन का मतलब होता है डॉग से रिलेटेड, डॉग जैसा। अरे नहीं नहीं वेरी गुड। फ्रॉग ये पढ़ लो यार, मेढक, मेढक का बच्चा, शेर का बच्चा क्या होगा, शेर होगा। इस तरीके के भी सवाल आते हैं। हाँ हूफ जो होता है ना, अपने हॉर्स को दौड़ने के पहले क्या देखा है, पीछे जो लात मारते हैं दौड़ने के पहले, उसे हम लोग कर रहे हैं खुर मारना,
ठीक है? इसका आंसर तो कोई गलत नहीं कर सकता है यार। मेढक का बच्चा मेढक, शेर का बच्चा क्या, यहां पे ऑप्शन भी दे रखा है शेर। और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं यार, ये आपके एसएससी के सवाल है, मेरे सवाल नहीं है। आसान भी आते हैं टफ भी आते हैं, इसीलिए दोनों तरीके से हमें तैयार होना पड़ेगा। देखो 15 मिनट में 25 सवाल करने हैं, तो ऑब्वियसली आसान सवाल आएंगे ही, नहीं आएंगे तो कैसे करोगे। पेंचर, वेरी गुड। ईंट कौन यूज करता है? मिस्त्री। रंग कौन यूज करेगा? पेंटर। रंग कौन यूज करेगा? पेंटर। नेक्स्ट, वाह मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आ रहा है। एंजॉयमेंट, गुड। जब आप नींद लेते हो तो क्या होता है? रेस्ट। जब आप खेलते हो तो आपको क्या आता है? एंजॉयमेंट, आनंद। ठीक है, आपको क्या आता है? एंजॉयमेंट। अरे हर दिन इंजरी थोड़ी होती है, एक्सेप्शन वाली चीज को मत देखा करो यार। हर दिन इंजरी होती है क्या, या फिर हर दिन आप चैंपियन बनते हो? नहीं, लेकिन क्या होता है? खेलने के बाद आनंद आता है। खेलने के बाद क्या होता है? आनंद आता है। नेक्स्ट, सीख गए हम लोग, अभी नहीं सीखे हो, ये तो आसान चैप्टर है, बताया तो। डी क्यू नहीं होगा क्योंकि चैंपियन आप डेली नहीं बनते हो खेलने से, लेकिन आनंद आपको आता है। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी, अरे एसएससी के क्वेश्चन है, कोई ना कोई तो जीतता है, ये बात है, कोई ना कोई तो जीतता है। गया बेटा, सब गए, शिवांशी एंड राहुल, वेरी गुड। शिवांशी एंड राहुल, वेरी गुड। सब की पॉलिटी जो है गोल है, गोल गोल गोल। हाँ शुभाषी नायक, वेरी गुड। अंकुश, वेरी गुड। हेड ऑफ स्टेट इंडिया में कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट इंडिया में कौन होता है? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट ये इंडिया में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो कंट्री से रिलेशन अगर प्रेसिडेंट का है तो स्टेट में हेड कौन है? गवर्नर है। गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, उसी तरह प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो स्टेट का रिलेशन गवर्नर से क्या आएगा? चीफ मिनिस्टर से नहीं आएगा। अगर कंट्री के साथ प्राइम मिनिस्टर दे रखा होता तब स्टेट के साथ चीफ मिनिस्टर आता। क्लियर है? क्लियर है ये बात? ठीक है, आंसर क्या होगा? गवर्नर। अरे स्टेट में सीएम होता है मुझे पता है, कंट्री में अगर प्रेसिडेंट दे रखा है, रिलेशन देखो ना, कंट्री का रिलेशन किसके साथ है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा है, तो स्टेट में रिलेशन किसका आएगा? गवर्नर का आएगा। क्लियर है? कल को मान लो कंट्री में यहां पे प्राइम मिनिस्टर दे रखा होता तब यहां पे चीफ मिनिस्टर आ जाता आपका। ठीक है, तो गवर्नर विल बी द राइट आंसर। स्टेट में सीएम होता है बट रिलेशन वाइज सीएम इज नॉट करेक्ट। ठीक है, रिलेशन देखना है, रिलेशन।
उससे एस्टैब्लिश करना है। चलो नेक्स्ट, यार आसान है ये सब। आइए इसीलिए मैंने बोला है कि सारे ऑप्शंस को पढ़ना। जब भी आपको एनालॉजी का सवाल आएगा लेटर बेस्ड या फिर आपको वर्ड बेस्ड सवाल आता है, सारे ऑप्शंस पढ़ना। 36 का भी, अरे ये जो मछली होती है देखो, ये मछली हुई ना, ये मछली के चमड़े के ऊपर ये जो चीज रहती है ना, उसे हम लोग स्केल्स बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल्स बोलते हैं। क्लियर है? बता दिया स्केल्स का मतलब, समझा दिया? स्किन ऐसा नहीं, स्किन के भी ऊपर वाला पार्ट, स्किन से भी ऊपर एक पार्ट है, उसे स्केल्स बोल रहे हैं। स्किन के ऊपर वाला पार्ट है, इसके स्किन नहीं होता है, स्किन नहीं होता है, स्केल। देखो ये मछली है, ठीक है, ये मछली का स्किन है। इस तरीके से मछली बनाओगे तो स्किन होगा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर पे स्केल्स होते हैं। ठीक है, अब आंसर दे दो। तो फिश को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर पे स्केल्स, बियर का क्या होगा? फर होगा। बियर का क्या होगा? फर होगा। ठीक है, फर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, यार ये होमवर्क ले लो, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया ये सवाल, ठीक है, मतलब किसी टेस्ट में करवाया है। ये बनाओ, मृग मरीचिका मरुस्थल, मतलब मिराज इज रिलेटेड टू डेजर्ट। आपको बताना है कि यहां पे क्या रिलेशन आएगा। रेनबो स्काई, गुड। बाकी लोग बी, वेरी गुड। ऑलराउंडर आर वी, पहली बार आए आप क्लास में। मिराज कहां दिखता है? डेजर्ट में, ठीक है। तो रेनबो कहां दिखेगा? स्काई में। रेनबो कहां दिखेगा? स्काई में, ठीक है। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, होली वाले दिन छुट्टी रहेगी 29 तारीख को, 29 को होली है, ठीक है, उस दिन छुट्टी रहेगी, हॉलीडे, पहले ही बता दे रहा हूं। पढ़ना चाहो तो मैं पढ़ा दूं उस दिन भी। गुड इवनिंग विक्रम, लेट हो गए। पहले ये सारे सही कर ले हम लोग। अच्छे सवाल शुरू में ही करवा दिए मैंने, बाद में आसान वाले कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए। देखो, फर्टिलाइजर यूज करके आप क्या करते हो? क्रॉप्स को ग्रो करते हो। क्या करते हो? फर्टिलाइजर यूज करके आप क्या करते हो? क्रॉप्स को ग्रो करते हो। क्रॉप्स की अच्छी सेहत के लिए आप क्या यूज करते हो? फर्टिलाइजर। क्रॉप अच्छा हो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? फर्टिलाइजर, ठीक है। तो बॉडी आपकी, शरीर अच्छे से बने उसके लिए आप क्या यूज करते हो? टॉनिक। उसके लिए क्या यूज करते हो? टॉनिक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट लास्ट सवाल है आज का, राम राम लोकेश। कैसे हो, ठीक हो? बस इसमें जाओगे, सब जाओगे इसमें। ऑर्बिट, गुड। रिलेशन एस्टैब्लिश करो, जो जुलूस निकल रहा है, जो जुलूस निकल रहा है वो किसी पर्टिकुलर रास्ते से निकल रहा है, ठीक है? जुलूस का क्या दे रखा है, किसी पर्टिकुलर रास्ते से निकल रखा है। तो अर्थ, अर्थ किस रास्ते में जाता है? ऑर्बिट होता है ना अर्थ का रास्ता, जो सन की ओर घूम मूव करता है, अर्थ स्पेस, ठीक है यार, अर्थ और स्पेस के कंसेप्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। अर्थ का जो रास्ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अर्थ का रास्ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट विल बी द करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग प्रभाकर शर्मा, लेट हो गए। चलो कल मिलते हैं 7:30 बजे, ठीक है, इसी समय पे। कुछ सवाल और देखेंगे हम लोग, ठीक है सर? और क्वेश्चन कराओ यार, 1.5 घंटे सवाल करा रहा हूं मैं, आरवी 1.5 घंटे सवाल करा रहा हूं, 40 सवाल कराए हमने, ठीक है। कल 7:30 बजे मजा आया सर, गुड। हाँ कल भी प्रैक्टिस होगी, कल फुल लेंथ सिलेबस की प्रैक्टिस होगी। फुल लेंथ का क्या मतलब हुआ, जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं सारे टॉपिक से एक एक सवाल होगा, ठीक है। हाँ प्रभाकर आप देख लेना एक बार रिपीट करके। अरे आशीष टेंशन मत लो, सारे जो बचे हुए हैं ना 1-2 चैप्टर वो कर लेंगे, टेंशन मत लो, पढ़ाऊ तो मैं सारा ही दूंगा, इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कल उन्हीं सारे टॉपिक में से सारे सवाल होंगे, ठीक है। हो सकता है सबका हार्ड सवाल ही कल प्रैक्टिस कर लें, सब कुछ, सब कुछ। लोकेश कुमार बोल रहे हैं प्लीज गुरुजी बात करो, बोलो क्या बात करनी है बताओ। लोकेश आज भी मैं हॉस्पिटल गया था, आज भी मैं सुबह में हॉस्पिटल ही कितने था 11:30 से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। तो डॉक्टर का कहना है कि बहुत स्लो रिकवरी है, इट्स वेरी वेरी स्लो, और अभी भी कोई टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं दिया है मुझे कि मैं कब तक ठीक हूं, नो टाइम फ्रेम हैज बीन गिवन। भगवान मालिक है यार, दिल्ली में हूं यार, घर पे नहीं हूं, दिल्ली में हूं, दिल्ली आ गया हूं वापस, बताया था क्लास में, बता दिया था मैंने। चैटिंग करो, लो चैट कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, बताओ क्या बात करनी है। थैंक्स अंकुश, शेयर करना यार, थोड़ा सा चैनल को बड़ा भी बनाना है। अच्छा नहीं पता था, नहीं मैंने क्लास में बताया था जिस दिन आया था, 26th या 27th फरवरी को आया हूँ दिल्ली, क्योंकि मुझे अपना रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर को दिखाना होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पूरा ठीक नहीं हुआ। क्या चैट करना है विक्रम बताओ, थैंक्स यार, तुम लोग के कारण ही, आप लोग का जो मुझे, जब आप पढ़ते हो और जब आप आंसर देते हो तब मुझे ही जो एनर्जी मिलता है, इट्स लाइक दैट, कि उसी वजह से मैं पढ़ा भी पा रहा हूं, वरना तो यार मेरी तो टिकट कट चुकी है। थैंक्स यार, तबियत ठीक होने को लेकर मैं काफी इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है
अगर कोई ठीक से अपने पैर पर खड़ा ना हो सके तो उसके लिए मेंटल ट्रॉमा कितना होता है, माइंड पे प्रेशर कितना पड़ता है। ये तो भगवान ना करे किसी को हो, बट इट्स लाइक दिस ओनली, लेफ्ट पैर जो है मेरा इट्स 50-60% यार, इससे ज्यादा ठीक नहीं हुआ है। प्रभाकर बोले नोटिफिकेशन नहीं आता, आप 7:30 बजे आकर स्कैन इंस्टीट्यूट सर्च किया कीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा लाइव क्लास, ठीक है। या फिर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो टेलीग्राम पे पूछ लो, ठीक है। जिसको जाना है जा सकते हो, जिनकी एग्जाम है वो जा सकते हो, जिनको बात करना है वो बात कर सकते हो। लोकेश बोल रहे हैं ऑल लाइफ आपका बोल नहीं पाएंगे, थैंक्स यार। आपके साथ इतना बड़ा क्या हुआ? लो सुनो, आपका जो पीठ वाला जो पोर्शन होता है, बैक का जो पोर्शन होता है, ठीक है, यहां पे आपके स्पाइनल कॉर्ड्स जा रहे होते हैं, ठीक है। इस स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स जा रही होती हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड्स में क्या जा रही होती है? नर्व्स जा रही होती है इनके बीच से, ठीक है। मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड, अगर टॉप व्यू से देखो तो बीच से क्या जा रही होती है? नर्व्स। और नर्व्स, ये जो आपका जो पोस्चर होता है, अगर आप ठीक ढंग से सोते नहीं हो, या बैठते ठीक ढंग से नहीं हो, या फिर आप वॉकिंग वगैरह नहीं करते हो, या फिर आप ज्यादा मोटे हो जाते हो, ठीक है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, तो जो ये वाले जो रिंग्स होते हैं ना, ये नर्व्स को जाकर क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। तो मेरा क्या हुआ था कि परमानेंटली ये नर्व दब गया था, ये नर्व जो है परमानेंटली दब गया था। तो दोनों लेग्स जो थे मेरे, राइट लेग और लेफ्ट लेग, दोनों में पावर चली गई थी। राइट लेग हैज फुली रिकवर्ड इट्स फुल पावर, लेफ्ट लेग में 60% पावर है, जिसके वजह से मैं चल नहीं पाता। क्लियर है आशीष? बट होप इज लाइफ, सही बात है। हाँ पीयूष, जो आसन करते हैं ना, इट स्टेज, जब ये दब रहा होता है ना नस, जब ये ठीक हो सकता था तब वो आसन हम लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो जब परमानेंटली दब जाता है ना, तो यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। तो मेरे जो स्पाइनल कॉर्ड में 4 लोकेशन पे सर्जरी हुई है, L2, L3, L4, L5, सॉरी 5 जगह पे हुई है, S1, इस 5 जगह पे मेरी सर्जरी हुई है। हाँ, पहले से इंप्रूवमेंट है, पहले से इंप्रूवमेंट है, ठीक है। और कुछ पूछना है? देखो यार, नजरों में गिरना कुछ नहीं होता है, इट्स लाइक कि आप मेरे आपको मैंने जब विक्रम, मैं आपके लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, जब मैंने आपको अनब्लॉक किया था, आपने फिर से वही गलती दोहरा दी, तो मुझे आपके बेस आपके बिहाफ पे मुझे मैनेजमेंट को कोई जवाब नहीं था मेरे पास देने के लिए कि मैंने क्यों आपको अनब्लॉक किया, क्योंकि आपने दोबारा वही गलती दोहराई। तो मेरे पास कुछ जवाब नहीं होगा तो मैं क्या बोलूं उन्हें जाकर? कुछ नहीं बोल सकता ना। ऑफलाइन कोचिंग कहाँ है सर? मुखर्जी नगर में थी, मुखर्जी नगर में क्या थी? थी, बट दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का कोई नोटिस नहीं आया है दोस्तों कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, जितनी भी खुली हुई है इलीगली खुली हुई है। क्लियर है ये बात? सब पता ही है कैसे खुलती है यार, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें कुछ करना होता है, ठीक है, छोड़ो। चलो यार, माफ कर दिया। हो गई बातें, और किसी को कुछ पूछना है? बाकी ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, ये कट हो जाएगा, जितना भी आंसर्स मैंने दिए हैं सबको हम एडिट करके लास्ट वाला जो सवाल के बाद वाला जो पोर्शन है, ये वीडियो से कट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। कोई बात नहीं विक्रम, माफ किया मैंने आपको।
टेल सॉरी टू मैनेजमेंट, इस नंबर पे फोन करके नहीं, व्हाट्सएप करके बोलो सर आई एम सॉरी, दे विल हेल्प यू, दे विल अनब्लॉक यू। ठीक है, चल गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं 7:30 बजे फुल सिलेबस टेस्ट के साथ। ठीक है, फुल सिलेबस का सवाल डिस्कस करेंगे। बाय। ध्यान से पढ़ाई करो यार तुम लोग, बस कोई बात नहीं प्रभाकर, आप ऑफलाइन क्लास कीजिए हमारा, ठीक है ऑफलाइन क्लास कीजिए, मैं भी बिहार से हूँ, ठीक है ऑफलाइन क्लास कीजिए, अच्छा रहेगा घर में बैठे बैठे। क्या क्या करोगे यार मुखर्जी नगर आकर, दिल्ली आकर क्या करोगे, पैसे बच रहे हैं यार, घर पे बैठ के पढ़ाई करो, घर पे रहोगे पैसे बचेंगे, मुखर्जी नगर में हजार लाखों रुपए नहीं खर्च करने होंगे। ठीक है, घर पे अगर मान लो जो कोई पेड कोचिंग है, पेड कोचिंग ज्वाइन कर लो ऑनलाइन ही, ऑनलाइन। ठीक है कानपुर से, अच्छी बात है, पढ़ाई करो यार, अच्छा है मेरे क्लास में लोग अलग अलग शहरों से हैं, पढ़ाई करो मेरा बस आपसे। हाँ इंग्लिश वाले सर भी बिहार से, ठीक है मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैंने आपको इतने अच्छे से पढ़ाया है, प्लीज ब्रिंग 50 आउट ऑफ 50, 50 आउट ऑफ 50 लाओ रीजनिंग में, ठीक है 50 आउट ऑफ 50 लाओ रीजनिंग में, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर करो, एंड गिव मी योर सेलेक्शन, मुझे आपका सेलेक्शन से मतलब है, ठीक है मुझे आपका सेलेक्शन से मतलब। चलो गुड नाइट।